2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय यादव महासभा की बैठक कृष्णा निवास में संपन्न हुई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव जी ने की। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बैठक आरंभ हुई। तत्पश्चात समाज के विभिन्न प्रकार के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तथ्यों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से अंकुश यादव प्रदेश महासचिव, फूल सिंह यादव कार्यालय प्रभारी व कोषाध्यक्ष, राकेश यादव, धीरेन्द्र यादव और अन्य जिला विधानसभा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या पद है आज, किस उद्देश्य पर बैठक यहाँ रखी गई है? अंकुश यादव हूँ, अखिल भारतीय यादव महासभा का प्रदेश महासचिव। आज सर्वप्रथम आदरणीय जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनकी जयंती है। सर्वप्रथम मैं समस्त यादव महासभा की ओर से शख्स नमन करता हूँ ऐसे व्यक्ति को जिसने देश को अहिंसा परमो धर्म का मार्ग प्रशस्त किया और हम सबको आजादी दी। आज हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार जी के निवास पे अखिल भारतीय यादव महासभा कानपुर नगर की बैठक का आयोजन हुआ है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज को एकत्रित कैसे किया जाए, उसी विषय पर आज चर्चा हुई है। समाज के अनेकों काम, गरीब मेधावी छात्राओं का सम्मान, गरीब कन्याओं का विवाह, समाज का एकत्रीकरण और समाज के लोगों को किस प्रकार हम संगठन में जोड़े, उसका आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।